कंपनी में मिला देना आप। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रतियोगिता के अहम निर्णायक साथी थर्ड एम्पायर में अश्विन कुमार जी। हाँ यस, गेम स्टार्ट। टाइम मिला ले। करीम भाई खैरी, आपसे निवेदन है कि आप मंचासीन हो। करीम भाई आप जहाँ कहीं भी हो मंच पे आने का कष्ट करें। भंडारा वर्सेस बीके आदर्श उड़े पानी के मत, बहुत ही कांटे का मुकाबला चलता हुआ। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र भंडारा देखने को मिलेगा, बहुत ही कांटे का मुकाबला। बहुत अच्छा मैच चलता हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे पहला पॉइंट अर्जित की उड़े पानी ने। अब इस प्रतियोगिता आगे का हाल बताने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा लाखा। वह आए और अपनी कमेंट्री का भार संभाले। लाखा लखा कहा है? संजीव भैया कहा है? लखा भैया बहुत ही जबरदस्त डिफेंड यहाँ पर, बहुत ही अच्छा एंकर होल्ड यहाँ पर पिंटू का। उदय प्रदेश जाना पहचाना नाम, जो कि एक पहचान का मोहताज नहीं, अपनी एक पहचान बनाने वाला क्षेत्र का एक मात्र स्टार अपनी पहचान बना चुका है यह, लेकिन नेशनल में इसे उभरता हुआ सितारा कहा जाता है। तमिल तलाइवा के लिए अपनी सेवाएं देते हैं शायद उदय परते। मैं बताता चलूं कि उदय परते जो के श्याम कुमार परते जी के सुपुत्र हैं, बहुत ही जबरदस्त फुर्तीले क्रीडा, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया इन्होंने जबलपुर डिविजनल खेलकर। सितारों से सजी हुई वड़ापानी टीम देख रही है कि इस बार प्रतियोगिता को अपने नाम करने में कामयाब हो पाती है नहीं। पिछले कुछ वर्षों से काफी अच्छी भूमिका निभाई है और यहाँ पर खामियाजा बहुत ही कहना चाहिए एक टाइम आउट लिया है। अगर एक्स्ट्रा प्लेयर अवेलेबल हो तो उदय पड़ते जबरदस्त प्लेयर। पिछले वर्ष विजय पानी में जो प्रतियोगिता हुई थी, इस प्लेयर ने अपने दम पर टीम के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था और अपनी टीम को जीत दिलवाई थी। और मैं बताता चलूं कि यह एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने हाथों का और पैरों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करता है, लगातार कंटिन्यू रेड करते हैं अपनी टीम के लिए। किसी भी प्लेयर के लिए इतनी ज्यादा रेड करना कोई आसान काम नहीं है और यहाँ पर अच्छी खेल भावना का परिचय है और भंडारा ने भी यहाँ पर एक अंक हासिल किया तो नो डाउट मैच लगभग बराबरी का होता हुआ। उधर से उधर पड़ते लगातार अंक निकालने में कामयाब हो रहे हैं तो इधर से भी भंडारा के प्लेयर जो है
कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी लगातार अंक निकाल रहा है, बहुत ही रोमांचक मैच होगा। रकीब खान क्या बोलना चाहेंगे? रकीब खान बोल रहे हैं कि अभी मुझे सिर्फ मैच देखना है। और भंडारा के खिलाड़ी अब सर्विस कर रहे हैं वड़ापानी के ग्राउंड में। दूसरे कॉर्नर से काफी अंक दिए हैं वड़ापानी ने, यहाँ पर कुछ रणनीति बनाना पड़ेगा वड़ापानी। और वहीं भंडारा के प्लेयर भी काफी सूझबूझ भरी खेल खेल रहे हैं, कोई जल्दी हड़बड़ाहट नहीं दिखा रहे हैं, वो जानते हैं मैच की अहमियत। और सर्विस लेकर गए हैं, काफी रोमांचक होता हुआ यह मैच। से आप थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रियाएं दें, वड़ापानी और भंडारा के मध्य दोनों के मध्य खेला जा रहा है मैच। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया शफीक। यह मैच जो कि पूल का लीग मैच है, इसके पूर्व एक मैच और हुआ था वड़ापानी वर्सेस चुटका का था शायद, काफ़ी अच्छा मैच था और उसमें बहुत अच्छे तरीके से खेल करके वड़ापानी ने शानदार अंकों से जीत अर्जित की थी। तो वहीं अब भंडारा से चल रहा है, तो निश्चित रूप से मैं तो मेरी खुद दिली ख्वाहिश होगी कि वड़ापानी जीते, लेकिन ये खेल है निष्पक्ष हो, जो भी जीते हम उसका सम्मान करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है दोनों ही टीमों ने, खासतौर पर भंडारा भी यहाँ पर काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अभी वड़ापानी टीम में क्लास देखने को नहीं मिला है, खासतौर पर डिफेंडिंग में। और यहाँ पर टाइम आउट लिया है वड़ापानी ने। शायद कुछ रणनीति बना रहे हैं संजू जो कि टीम के कोच हैं। यहाँ वड़ापानी ने जो अभी से अब लीड बरकरार रखी है, अब देखना ही है उस लीड को किस तरीके से कम। यहाँ पर गलत जल्दबाजी कर गए, सेंटर लाइन को ध्यान नहीं रखा, क्रॉस लाइन पर ही हाथ डाल दिए यहाँ पर पिंटू ने। पिंटू को थोड़ा सा की टीम के कप्तान है, थोड़ा सा कूल माइंड होकर अगर एक योजनाबद्ध तरीके से खेलेंगे तो फाइनल तक उनका भी निखार आएगा, उनकी टीम का निखार आएगा और यह मैच को अच्छा फिनिश करेंगे। क्योंकि भंडारा के जो प्लेयर हैं वो काफी सूझबूझ से खेल रहे हैं यहाँ पर, उनके रेडर लगातार अंक निकाल रहे हैं। और वड़ापानी के जो डिफेंडर है नो डाउट बड़ा बनाए जरूर है, लेकिन अभी तक थोड़ी जल्दबाजी देखने को मिल रही है डिफेंडर उनसे। भंडारा जो कि इस मैच में थोड़ी पीछे है, लेकिन काफी अच्छा खेल खेल रही है यहाँ पर। एक झपकी जो दी जाती है अंक निकालने के लिए, उसका जो प्रयास करते हैं उसमें कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव दिख रहा है। जो आप क्या बोलना चाहेंगे आप? अच्छा ठीक है, एक बार फिर उदय लगातार रेड कर रहे हैं वड़ापानी के लिए। और अभी तक बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक भी बार डिफेंड नहीं हुए हैं, उधर लगातार अपनी टीम के लिए अंक निकाल रहे हैं। लंबे कच्चे प्लेयर हैं, ये देखिए बहुत ही लंबे हैं, सेंटर लाइन से क्रॉस लाइन तक की इनकी लंबाई झलकती है, बहुत ही अच्छे। इनको डिफेंड करना बोले तो आग में हाथ डालने के बराबर। यहाँ पर देखना होगा अच्छी कवरिंग, यहाँ पर ये डिफेंड किया गया लेकिन अच्छी कवरिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। अब यहाँ पर वड़ापानी टीम चाहेगी किसी भी तरीके से ऑल आउट करना, अगर ऑल आउट करने में कामयाब हो पाती वड़ापानी तो इस मैच में पकड़ बनाएगी। अब मैं कमेंट्री के आमंत्रित करना चाहूंगा शायद का। बहुत अच्छा मैच चलता हुआ भंडारा वर्सेस
उड़ई पानी के मैं वहीं बड़ा बनाई हुई यहाँ पे उड़ई पानी, यहाँ पे वापसी के लिए कुछ कर दिखाना होगा भंडारा को। और सिंगल कैच आउट और एक पानी पॉइंट मिला भंडारा को। उदय परते यहाँ सुपर टैकल ऑन है, सुपर टैकल का फायदा मिल सकता है यहाँ पे भंडारा को। बहुत अच्छी कोशिश यहाँ पे उदय परते रेड में, और यहाँ पे सिंगल कैच आउट। टाइम आउट और 10-5 का स्कोर, 5 पॉइंटों से उड़ई पानी बढ़त बनाई हुई। और बहुत ही आसान कैच पिंटू के द्वारा किया गया, वही ऑल आउट के करीब पहुंचती हुई यहाँ पे भंडारा। ग्यारह 5 का स्कोर है वहीं पे, और यहाँ पे अब देखना होगा सुपर टैकल ऑन है यहाँ पे, यहाँ पे टीम ऑल आउट होती है। और यहाँ पे एक पॉइंट दो गोले सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कुछ रणनीति बनाकर चेंज होते हुए प्लेयर, और एम्पायर महोदय से निवेदन है टाइम आउट हुआ। ज्यादा अभी लीड नहीं है, अभी उड़ई पानी की वापसी कर पाएंगे यहाँ पे भंडारा, ऐसी उम्मीद तो लग रही है। लक्का लक्का माइक के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा लखा भाई। स्कोर बोले गोल मास्टर से चाहूंगा कि स्कोर बताएं कौन सी पॉइंट कितने पॉइंट से आगे है यहाँ पे। और यहाँ पे 9 पॉइंट की बढ़त बनाई है पॉइंट टीम ने, जो कि यहाँ पे भंडारा टीम को वापसी करना है तो उनके कोच या कैप्टन को कुछ रणनीति निभाना पड़ेगा भंडारा टीम के कैप्टन या कोच को, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे 150 मीटर दूर से आए हुए दूरी बहुत। यहाँ पे बैचान जो कि कांटे का मुकाबला देखते हुए, और एक है सवन जो कि 9 नंबर जर्सी पहने, जो कि पूरे यहाँ पे देखना होगा। शाबिर मां साहब जी क्या कहना चाहोगे दोनों टीम के बारे में, क्योंकि भंडारा वापसी कर सकती है क्योंकि बहुत दूर से आई हुई है ऐसा लग रहा है आपको। कहा तो नहीं जा सकता, ये तो खेल है। जैसे अभी यहाँ पे भंडारा की जो टीम है इनके थोड़ा टैकल नहीं चल रहा है, शायद अब हाफ टाइम के बाद अगर टैकल चल रहा तो वापसी कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद तो लग रही है। देखना होगा आगे क्या होता है। वही यहाँ पे रेडर भी अब कुछ बदलाव उनको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे देखते हैं और बहुत बढ़िया प्रकाश द्वारा यहाँ पे काफी जबरदस्त प्रकाश जो कि जाने जाते हैं यहाँ पे उड़े पानी के प्रकाश, जो कि यहाँ पे अच्छा ब्लॉक चलाते और अपनी टीम के लिए एक पॉइंट किया, जो कि प्रकाश जो जाने जाते हैं यहाँ पे ऑलराउंडर खिलाड़ी खिलाड़ी की भूमिका निभा रहे प्रकाश, जो कि 52 देश है, जो कि उड़े पानी के टीम के लिए यहाँ उधर पड़ते जो कि मात्र एक उम्मीद की आखिरी किरण। और यहाँ पे तो वो दी गए कॉमन पॉइंट एम पार्टिसिजन कॉमन पॉइंट, यहाँ पे दोनों तरफ एक एक पॉइंट काटी जाएंगी उधर पड़ते, जो कि यहाँ पे कौन कॉमन पॉइंट अपनी टीम के लिए दोनों एक एक पॉइंट। ब्लैक बॉल मास्टर साढ़े 9 बजे तक
इसके बाद जो मैच होगा बी पूल का, बालाघाट संघ वर्सेस प्रगति क्लब सिवनी। ये दोनों ही टीमें किटअप होकर तैयार रहे। संघ बालाघाट वर्सेस प्रगति क्लब सिवनी। संघ बालाघाट उपस्थिति दे दें। हमारे पार्टिसिपेंट काफी जबरदस्त, हमारे निर्णायक का डिसीजन 2 पॉइंट अर्जित किए हैं पर भंडारा टीम ने, और पुनः धीमे धीमे कदमों से वापसी कर रही है भंडारा टीम। और फिर से चले पिंटू उइके जो कि यहाँ पे उड़े पांडे के रेट कर रहे हैं भंडारे की कोर्ट पर। साथ ही भंडारे के मत बोनस ऑन है, अब देखते हैं क्या करते हैं टीम के लिए। वापस अपने कोर्ट पर चौकिया प्रकाश चौकी अभी ग्राउंड पर है तो कुछ मैच में वापसी हो सकती है बड़े फन टीम की। और मगर यहाँ पर हाँ अभी अभी हमारे बीच में उपस्थित शाइनिंग स्टार के क्रिकेटर हरफन माला खिलाड़ी शुभम बघेल जी, मुजम्मिल कुरैशी जी, वे दोनों हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, आयोजन समिति की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूँ, वह आए और मंच में विराजमान हो। शुभम बघेल जी और मुजम्मिल कुरैशी जी, वन बोनस यहाँ वाले पॉइंट टीम क्रिकेटर ने प्राप्त किया और 3 पॉइंट यहाँ भंडारा टीम के पक्ष पे। यहाँ शायद टाइम आउट लिया गया है। स्कोरर स्कोर बताएं, अंतिम 4 मिनट से स्कोरर स्कोर बताएं। बाहर से जो भी टीमें आई हैं और इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किए हैं भंडारा 14 उड़े पानी 17 में, आपको अगर कोई शंका या समाधान है का आयोजन मात्र बिना किसी भेदभाव के पक्षपात के पारदर्शितापूर्ण आयोजित कराना रहा है। और हम सभी खासतौर पे आयोजन समिति और क्षेत्रवासी चाहते हैं खेल के साथ कभी कोई भेदभाव ना हो और खेल भावना ऐसी बनी रहे, खेल की जीत हो, अच्छे खेल की जीत हो। और बहुत ही जबरदस्त क्या रेड डालते हुए उदय पड़ते स्कोर है, थोड़ा स्कोर बता देंगे। सर्विस कर रहे हैं भंडारा की ग्राउंड, बहुत शांति का पॉइंट दिए यहाँ पे दोनों टीमों ने, बहुत तालमेल से खेल रही दोनों टीम। जो कि आप कहें उदय फर्स्ट जो कि उम्मीद की आखिरी किरण, चूंकि बहुत इनके कंधे पर बहुत बोझ है अपनी टीम को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी लीड बनाई है जो कि, और देखते हैं एम्पायर डिसीजन 1 पॉइंट बोले पानी। थर्ड राइट हेलो
हाँ डू एंड टू एंड आई रेड, यहाँ पर खाद का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया, बहुत ही अच्छी रेड डाल रहे हैं, डबल डिफेंडर को आउट किया यहाँ पर। दो मिनट शायद, हाँ दो मिनट शेष रह गए, स्कोर और थोड़ा स्कोर भी बता देंगे। अठारह पंद्रह क्या पर देखना होगा कि भंडारे के रेडर इस बाकी बचे समय में क्या कर पाते हैं, क्योंकि यहां पर समय कम है और करना बहुत है। बहुत ही जबरदस्त रेड डालते हैं यहां पर एम्पायर का इशारा, आपको ऑप्शन रखा गया है, टाइम आउट लिया है, रिव्यू रिव्यू दिया गया। उदयपुर से एक ऐसा नाम जो कि जबलपुर संभाग से अपनी सेवाएं देते हुए इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है उदयपुर ने। मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक के भंडारा इनको डिफेंड नहीं कर पाई है। उदयपुर से बहुत ही जबरदस्त रेड करते हैं लंबे कद काठी के फुर्तीले खिलाड़ी, सर्विस कर रहे भंडारा के ग्राउंड में। जब ये पछाड़ी टांग मारते हैं तो डिफेंडर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, और वहीं भंडारा के ये एकमात्र रेडर हैं जिन्होंने अपनी डूबती हुई कश्ती को किनारे पे लगाने के लिए पुरजोर कोशिश की है। भंडारा के रेडर बड़े पानी के ग्राउंड में देख आइए, और यहाँ पर देखना होगा एम्पायर का निर्णय एक अंक भंडारा के लिए। टाइम आउट उदयपुर थे, समय बता दे, बता दिया गया है, थर्ड रेड है और ये टू एंड टाई को चुनौती देने के लिए, चुनौती को स्वीकार करने के लिए गए हैं उदयपुर थे। उदयपुर थे ओड़ा पानी के उम्मीद की किरानी यहाँ पर देख रहे होगा, उदयपुर थे ने यहाँ पर एक अंक हासिल किया है। यहाँ पर दोनों ही टीमों के कप्तान कोच, आप कमेंट नहीं करेंगे खेल वहां भंडारा की तरह। स्कोरर बताएं क्या रिजल्ट रहा है इस मैच का, चार पॉइंट की यह बड़ा बनाकर उड़े पॉइंट टीम उसे गुजरती गई, यहाँ पे चार अंकों से जीत हासिल किया यहाँ पर उड़े पानी ने।